आज हम आपको श्री कृष्ण की उस अद्भुत साम्राज्य का दर्शन कराने वाले हैं, जो कि धरती के सतह पर नहीं बल्कि समुन्दर की गहराइयों की रेत में लिपटा हुआ है, जो कि अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बसाया था। जहाँ कभी श्री कृष्ण ने अपनी सत्ता की शुरुआत की थी, जहाँ की कण कण कृष्ण लीलाओं का साक्षी है, आज वहाँ पर सिर्फ समुन्दर की लहरों का सुर सुनाई देता है। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसा, विश्वास और इतिहास को जोड़ता यह नगर आज भी श्रद्धालुओं के लिए देवभूमि है। भारत के पश्चिमी तट पर लगभग 6500 वर्ग किलोमीटर में फैले गुजरात के सौराष्ट्र जिले में जब हम बढ़ते हैं, तब दूर से ही सनातन धर्म का बखान करती धर्म ध्वजा यह संदेश देती हुई दिखती है कि यहाँ से साक्षात मोक्ष का पवित्र धाम शुरू होता है। यहाँ से तब हिंदू धर्म का तीर्थ शुरू होता है और यहीं से शुरू होता है द्वारकाधीश का साम्राज्य, जिसका कुछ हिस्सा आज समुन्द्र की गहराइयों में कहीं गुम हो गया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये पूरा साम्राज्य समुन्द्र की अनंत गहराइयों में समा गया? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे के रहस्य को। श्रीमद् भगवत के पवित्र ग्रंथ के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के जेल में हुआ था, लेकिन उनका पिता वासुदेव गोकुल ले आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ, जहां वह गोपियों और राधा के साथ रासलीला रचाते बड़े हुए। वहीं पर अपने मामा और मथुरा के क्रूर राजा कंस का वध किया। कंस के ससुर जरासंध की 18 बार मथुरा पर आक्रमण करने के कारण श्री कृष्ण अपनी सारी प्रजा को लेकर पश्चिम की तरफ निकल गए। पौराणिक ग्रंथों की माने तो श्री कृष्ण ने द्वारका बसाने के लिए समुन्दर देवता से जमीन और महान आर्किटेक्चर विश्वकर्मा से द्वारका का निर्माण करवाया। शहर पूरी तरह से किले बंद था और केवल जहाज द्वारा ही यहाँ पर पहुँचा जा सकता था, लेकिन श्री कृष्ण ने जिस शहर को इतने प्यार से समुन्दर के बीचों बीच बसाया। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि यह अद्भुत शहर डूबा कैसे? दोस्तों, द्वारका नगरी के डूबने के पीछे कई तरह के कहानियाँ और मिथक फैले हुए हैं। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने पांडवों की तरफ से महाभारत की युद्ध में शामिल हुए थे, जिसमें पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों की हार। 100 पुत्रों की शोक में दुखी गंधारी ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दिया कि उसी तरह से यदुवंश का नाश होगा, जिसके कारण सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़ के मरने लगे। इससे दुखी होकर बलराम ने भी अपना देह त्याग दिया। और जब श्री कृष्ण बगीचे में लेटे थे, तब जरा नामक एक शिकारी का बाण श्री कृष्ण के पैर में लग गया, जो शिकारी ने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बांध चला दिया था, जिसके बाद श्री कृष्ण ने उस शिकारी को अभय दान देकर अपना देह त्याग दिया, जिसके बाद अर्जुन अंतिम संस्कार कर सभी बच्चों और महिलाओं को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुन्दर में समा गई। समुन्दर के देवता ने भूमि को एक बार फिर से वापस ले लिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के महल को बचा लिया। द्वारका नगरी के नष्ट होने के मत पर कई सवाल उठते हैं। कोई कहता है कि यह कोई प्राकृतिक घटना का काम हो सकता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि 9000 साल पहले जब हिमयुग समाप्त हुआ था, तब समुन्दर की स्तर इस तरह से बढ़ा जिसमें पृथ्वी के कई देश डूब गए। उन्हीं शहरों में से एक द्वारका भी था। लेकिन गाइस, द्वारका नगरी समुन्दर के अंदर कई राज को समेटे हुए हैं। तो दोस्तों, इस विषय पर आपको क्या कहना है, अपने विचार को कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि हम फिर से एक और वीडियो के साथ आएं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।